हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी आपकी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है झारखंड में चौकीदार की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स देखिए, ये ग्रुप सी का पद है जिसके लिए सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल पोस्ट की बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेगा, टोटल पोस्ट 311 यानी 311 रहेगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे इस पोस्ट से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स के ऊपर। लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, एग्जाम सिलेबस देखना चाहते हो, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने ना नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को अप्लाई करने की जो डेट है ना, 9th of August to 25th August, मतलब कि 9 से 25 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मोड क्या रहेगा, देखिए ये ऑफलाइन भर्ती है, तो इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। टेलीग्राम से आप उस एप्लीकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसको आप प्रिंट करा लेंगे और उसमें सारी जानकारी फिलअप करेंगे और उसको आप अपना भेज देंगे। तो इससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा वो सब मैं आगे बताऊँगी। लेकिन ये जो आपका भर्ती है ऑफलाइन है, ये तो मैंने बता दिया, जाएगा डाक यानी पोस्ट के मीडियम से। तो इसमें आप या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है स्पीड पोस्ट करें, ताकि जल्द से जल्द आपका वहां पे फॉर्म पहुंच जाए। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म की फ़ी की बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया लिया जाएगा और एससी एसटी कैटेगरी वाले से 0 रुपीज़ यानी कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। रही बात की एज लिमिट क्या रहेगा, उम्र सीमा क्या होगी, देखिए फ्रेंड्स, जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट रहेंगे, पुरुष उम्मीदवार, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष है। अब जैसा कि आपको पता है कि ओबीसी, एससी एसटी और फीमेल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, तो क्या है उम्र सीमा में रिलैक्सेशन, अभी समझा देती हूँ। ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट होंगे ना, उनके लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे 35 वर्ष था, इनको 2 वर्ष का रिलैक्सेशन यानी छूट मिल रहा है। ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के जो महिला कैंडिडेट होंगे, उनके लिए 18 वर्ष से 38 वर्ष, तो इनको 3 वर्ष का छूट मिल रहा है। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट महिला तथा पुरुष दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 18 to 40 इयर्स, मतलब कि उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एज में मिल रहा है। तो ये थी हमारी एज की डिटेल्स। अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि व्हाट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बस 10th पास रहेगा। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि 10th में आपका क्या परसेंटेज है, कुछ भी है आप अप्लाई कर देना, ठीक है। देखिए आगे हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को इन डिटेल समझेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किस कैटेगरी का कितना सीट रहेगा। टोटल तो हमने जान लिया 311 यानी 311 है, जनरल के लिए 181 यानी 181, ओबीसी के लिए सीट नहीं रहेगा, लेकिन जिनके लिए सीट नहीं है वो चाहे तो जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। यही होगा कि जैसे जनरल का रहेगा आपको कुछ रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जितना जनरल का कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ स्कोर लगेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि ओबीसी का सीट नहीं चाहे, एससी का सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 31 है और एसटी के लिए आपका 99, टोटल आपका 311 यानी 311 सीट आपका रहेगा। अब अगर बात करी जाए कि व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, किन किन स्टेज के थ्रू आप जब गुजरेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। पहला स्टेज है रिटेन एग्जाम, यानी कि आपकी एक परीक्षा होगी ऑफलाइन। उसके बाद फिजिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा, फिर आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी, लास्टली एक बेसिक सा आपका मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो चलिए ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर होने तक की सारी प्रोसेस को इन डिटेल मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा।
एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के लिए, मतलब 50 प्रश्न 50 नंबर के लिए। और देखिए निगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, तो आई थिंक कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर निगेटिव मार्किंग बाद में कुछ इससे रिलेटेड पता चलेगा तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी। आपने यहाँ पे देख लिया कि 50 प्रश्न 50 नंबर के लिए है, तो किन किन विषयों से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा? तो पहला तो है जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन। और हाँ, इसकी तैयारी ऐसी करनी है आपको कि झारखंड से रिलेटेड जो भी जीके जीएस करंट अफेयर्स होगा वो तो पक्का से पढ़ के जाएगा, क्योंकि झारखंड स्पेशल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो 50 क्वेश्चन है, मतलब 25 आपका जीके हो जाएगा, जीके जीएस। इंडिया से भी पूछना है, पढ़ना है, वर्ल्ड का भी पढ़ना है, नॉर्मल जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ना है, लेकिन झारखंड स्पेशल जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उड़िया आता है, हो, मुंडा, बांग्ला, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ये चीज़ आपको क्लियरली मिलेगी कहाँ? एग्जाम सिलेबस में, जो कि है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड, तो आप देख सकते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको रहेगा 30%, यानी 15 नंबर आपको लाना है। इसका जो वेटेज होता है ना, मेरिट आपका जब सिलेक्शन होता है उस वक्त आपका 1:3 रहता है। अगर एक नंबर इसका रहेगा तो 3 नंबर फिजिकल का रहेगा। तो ये आप समझ चुके हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उसमें क्वालिफाई करेंगे तब आपको फिजिकल के लिए कॉल लेटर जाएगा और बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में देखिए, पहले तो क्या है कि हाइट के बारे में बता देती हूँ, दो ही चीज़ें, एक तो आपका हाइट देखा जाएगा, दूसरा आपको रनिंग कराया जाएगा, ठीक है। हाइट की रही बात, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रहेगा 160 सेंटीमीटर। देखिए ये मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैंने बताया, ये भी मेल जो एससी एसटी है ना उनके लिए आपका मिनिमम हाइट 155 यानी 155 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी के एक महिला कैंडिडेट है, जो भी फीमेल्स है, ऑल कैटेगरी इंक्लूडेड, उनका मिनिमम हाइट 148 यानी 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये तो हाइट था, क्वालिफाइंग होता है। जब हाइट मेजर हो जाएगा फिर रनिंग होगा। रनिंग आपका क्या होता है, 1 माइल का, मतलब 1.69 किलोमीटर, मतलब मान के चलिए 1600 मीटर के अप्रॉक्स आपकी रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट अगर इस रनिंग को 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे तो 20 नंबर मिलता है, मतलब ये टोटल जो फिजिकल होता है ना 20 मार्क्स का होता है। और अगर 5 से 6 मिनट, अगर 5 मिनट के बाद और 6 मिनट के अंदर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर जो फीमेल्स है ना उनको सेम ही रहेगा 1600 मीटर, उनको 8 मिनट में कंप्लीट करना है, और 8 मिनट में करते हैं तो 20 मार्क्स मिलता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि 8 ही मिनट में करना है। यहाँ देखिए, जिनको 8 मिनट से ज़्यादा और 10 मिनट से कम आपको यहाँ पर समय लगेगा उनको यहाँ पर 10 नंबर दिया जाएगा। तो ये हो गई रनिंग की जानकारी। इसमें क्वालिफाई होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है, बेसिक मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज लगेंगे, आइए मैं वो बता देती हूँ। देखिए, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट यानी कि अगर आप किसी जाति विशेष से बिलोंग करते हैं, आपको रिजर्वेशन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, अपना जाति बनवाएंगे, जाति प्रमाण पत्र, और उसको आप लगा देंगे। पहले से है तो अच्छी बात है, उसका प्रिंट आउट आप इसमें लगा दीजिएगा। रेसिडेंशियल यानी कि आपके पास आवासीय होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि रेसिडेंशियल की नीड है, आपका आवासीय चाहिए होगा, वो क्यों चाहिए, क्योंकि ये भर्ती जो है झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए है। तो आप झारखंड के जिस जिले से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ही अप्लाई करेंगे, और आपका जो है रेसिडेंशियल चाहिए होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ना आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने जरूर आना चाहिए। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि वैकेंसी आपका क्या है, ऑफलाइन है, रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट, किसी भी मीडियम से आप उसको भेज सकते हैं। एड्रेस का क्या है, किस एड्रेस पर ये जाएगा, ये चीज़ आपको आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, डाउनलोड करिए और अच्छे से पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। मैंने तो सारी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर कहीं कुछ छूट जाए तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी उसकी मदद से आप फॉर्म अप्लाई करिए, और एड्रेस उसमें साफ साफ अच्छे से लिखा है तो उसको देख के आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है।
और देखिए अब तो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर हो चुकी है, तो मैं बता दूं कि जब आप चौकीदार के लिए जॉब करेंगे तो आपको सैलरी क्या मिलेगा। मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि शुरुआत में आपको 18,000 मिलेगा, उसके बाद 56,900, तो ये मेंशन किया गया है। लेकिन आपकी जो सैलरी होगी ना 20,000 से 25,000 शुरुआत में मिलेगा, बाद में 60-70,000 आपको बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा, और ये परमानेंट वैकेंसी होती है। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हो। पर अब भी कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके आप क्वेरी क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।